रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का भी लोग शुरू करते हैं और आज आपको सुकी कर्टस वी एक्सेल के बारे में, जो उसकी इंटरनली चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या उसकी फ्यूल एवरेज है गाड़ी की और किस तरह से ये इकोनॉमी के हवाले से, फ्यूल एवरेज के हवाले से दूसरी गाड़ियों से बेहतर है। जी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ कर्टस वी एक्सेल। जी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, अब ये एवरेज दे रही है 15.3 और आप देख सकते हैं इसकी सारी चीज़ें जेन्युइन हैं। इसका एसी बहुत अच्छा है, इसके अंदर जो जो मेन चीज़ है एलसीडी जेन्युइन है, सुजुकी की एलसीडी जेन्युइन है, आप देख सकते हैं जेन्युइन एलसीडी है उन्होंने डाली हुई है। एयर बैग्स हैं और उसके अलावा सीट्स बड़ी कंफर्टेबल हैं और मज़े की बात यह है कि इसके गियर बहुत अच्छे हैं। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं कल्टस वी एक्सेल। बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ। ये देख लें जी हमने किया स्टार्ट। रिलायबल गाड़ी है, कंफर्टेबल है। मैं समझता हूँ कि इस गाड़ी को जो भी यूज़ करता है एक दफ़ा तो उसकी, अब पहले हमने कल्टस वी एक्सेल ली थी 2018-19 मॉडल, तो हमें बहुत अच्छी लगी। इसके बाद फिर हमने नई गाड़ी 2021 मॉडल जो है ली है। और अगर हम बात करें गाड़ी की सिचुएशन की, जो गाड़ी के अंदर चीज़ें हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग हैं। कंफर्टेबल गाड़ी है, सीट्स अच्छी हैं, चलाने में बहुत अच्छी है, रोड ग्रिप बहुत अच्छी है और व्यू प्रॉपर इसका जो है वो सही नज़र आता है। मतलब थोड़ी सी ये जो आम गाड़ियाँ हैं उससे थोड़ी सी ऊंची है, इसलिए इसका व्यू बड़ा क्लियर नज़र आता है सामने वाली साइड से, आप देख सकते हैं। बाकी इसके डोर देख सकते हैं सारे जो हैं वो ऑटो हैं, आप शीशे जो हैं वो बटन के ज़रिए ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में बेहतरीन गाड़ी है ये एवरेज के हवाले से, फ्यूल एवरेज के हवाले से, उसके अलावा चलाने के हवाले से, रोड ग्रिप के हवाले से। मेरी यही रिकमेंडेशन है कि वी एक्सेल गाड़ी जो है, अगर आपने छोटी गाड़ी रखनी है तो सुजुकी वी एक्सेल आप यूज़ करें, ये बहुत अच्छी गाड़ी है चलाने में, फ्यूल एवरेज के हवाले से, रोड ग्रिप के हवाले से। और ये आज की इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने सोचा कि अपने सामनीन के साथ, अपने नाजरीन के साथ शेयर करूँ। आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।